लगभग सभी धर्मों में ब्रह्मचर्य का विशेष महत्व है और इसका कारण अत्यंत सीधा है। यौन ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होती है कि इसे पूर्ण रूप से दबाया नहीं जा सकता। इसे पार किया जा सकता है मगर दबाया नहीं जा सकता। यही कारण है कि ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती है, जानते हुए भी कि लोग इसमें विफल होंगे और जब वे बार बार असफल होते हैं तो वे अपराध भाव महसूस करते हैं, उनका आत्मविश्वास कमजोर पड़ता है और वे पाखंडी बन जाते हैं। धर्मों के नेताओं को पता होता है कि जो लोग ब्रह्मचर्य की ओर अग्रसर होते हैं वे अपनी यौन इच्छाओं को किसी न किसी रूप में पूरा करने की कोशिश करेंगे, यदि वास्तव में नहीं तो कम से कम कल्पना में। यही उनकी शर्मिंदगी ही इस धर्म के ठेकेदारों की शक्ति बन जाती है। ब्रह्मचर्य को जीवन के प्रति एक नकारात्मक दृष्टिकोण के रूप में देखा जा सकता है। ये जीवन को ना कहने जैसा है क्योंकि यौन ऊर्जा ही जीवन का स्रोत है और जब तुम जीवन को ना कहते हो तो इस इच्छा को दबाना लगभग असंभव हो जाता है। ये ऊर्जा अपने आप को विभिन्न रूपों में प्रकट करती रहती है और अक्सर विकृतियों को जन्म देती है। हमारे तथाकथित धार्मिक लोग जीवन को छुप कर पीछे के दरवाजे से जीने की कोशिश करते हैं। पिछले दरवाजे से जीवन को जीना कोई गलत नहीं है, गलत यह है कि उन्होंने अपना सामने का दरवाजा बंद कर दिया है। यौन ऊर्जा को पार किया जा सकता है और तब जीवन में एक पूर्णता, विभिन्न गुणवत्ता आती है, एक ब्रह्मचर्य उत्पन्न होता है। पर यह स्वयं से नहीं आता, ये ईश्वर की देन है, ये गहन जीवन अनुभव से आता है। तुम और अधिक परिपक्व हो जाते हो और एक दिन काम ऊर्जा को तुम बस में कर पाते हो। पूर्व में हमने इसे एक सुंदर नाम दिया है, हम इसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ईश्वर की तरह जीवन जीना, ये एक पूर्णता विभिन्न घटना है। लेकिन जब गुरु चले जाते हैं तो सत्ता के लालची लोग, प्रतिस्पर्धी, जो सफल होना चाहते हैं, जो शिष्यों पर अधिकार करना चाहते हैं, जिन्हें शक्ति चाहिए, और वे शक्ति केवल तभी प्राप्त कर सकते हैं जब वे तुम्हारा प्राकृतिक प्रवाह को नष्ट करते हैं। ये वो लोग हैं जो धार्मिक चेहरा लगाए हुए हैं, ये छिपे हुए राजनीतिक हैं। ये महत्वपूर्ण है कि हम जीवन को समग्रता में स्वीकार करें। जीवन पूर्ण रूप से शुभ, पवित्र और साध्य है। जीवन को अगर हम सहजता से स्वीकार कर लें तो कोई कारण नहीं व्यक्ति को पाखंडी होना पड़े। पाखंड और कुछ नहीं, दुख और पीड़ा ही लाता है।